कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार में दिन ब दिन कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार का सिस्टम बना हुआ है। अगला साल घोटालों का साल रहने वाला है, जल्दी और भी घोटाले सामने आएंगे। कमलनाथ ने यूरिया पर सीएम के एफआईआर करने के निर्देश पर कहा कि एफआईआर तो फॉर्मेलिटी बन गई है, यह सब दबाने और छिपाने का काम कर रहे हैं। पोषण आहार मामले पर शिवराज सिंह ने उचित कार्रवाई क्यों नहीं की? कांग्रेस आगामी विधानसभा सत्र में पोषण आहार और यूरिया का संकट का मुद्दा उठाएगी। वहीं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, विधायक दल की बैठक में ये तय होगा। कमलनाथ ने कहा एमपी में हर दिन कोई ना कोई घोटाला हो रहा है, अगला साल घोटालों का साल रहने वाला है। दिन पर दिन कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है और अगले 12 महीने में बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे। अभी पोषण आहार का घोटाला हुआ, हमारे सीएजी रिपोर्ट आई, उसमें जिस प्रकार की चीज़ें उन्होंने सामने लाई हैं, ट्रक या स्कूटर, ये सब तो बहुत छप गया है, तो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। पर आज खाद की बात हो, बीज की बात हो, जहाँ देखो एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है, ये एक सिस्टम बना हुआ है, पंचायत से लेके मंत्रालय तक भ्रष्टाचार। और मेरे पास तो बहुत सारी और चीज़ें आई हैं भ्रष्टाचार की, पर ये सामने अभी प्रकाशित होंगी। अगले 12 महीने घोटालों का साल रहेगा, घोटालों का साल, वन ईयर ऑफ घोटालास। उन्होंने कहा गरीब बच्चों के साथ जो किया, क्या इसे माफ किया जा सकता है? किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, सोसाइटी को नहीं मिल रहा, चारों तरफ हाहाकार है। हम अपना आरोप पत्र और वचन पत्र तैयार कर रहे हैं, अगले 6 महीने में इसे प्रकाशित करेंगे। उन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल न होने को लेकर बीजेपी के कटाक्ष पर कहा कि मैं यात्रा में शामिल नहीं हूं, इससे बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मैं कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं। पहले किसानों को ऐसा तड़पना नहीं पड़ता था, आज जो किसान बीज और खाद के लिए तड़प रहा है, ये पिछले 1.5 साल से तो ये स्थिति है। और क्या किसान नहीं समझता? ये जितना भी प्रयास कर ले पुलिस, पैसा, प्रशासन का कोई लाभ नहीं होने वाला। आज जनता बहुत समझदार है और इस पोषण आहार में तो शिवराज जी खुद इसके मंत्री थे, जब ऐसा घोटाला आया सामने उनको तो अपनी इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिसके मंत्रालय में इस प्रकार का घोटाला हुए बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ, ये क्या इसे माफ किया जा सकता है? What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।